is take music and repackage it in a way, in a manner that the world has not seen. And we will be behind you in whatever you do. All our support will be there. And I would urge each one of you to come to Jaipur and experience the difference, because I genuinely believe, and I was speaking to Prasoon a few minutes ago, and I told him, isko thoda time lagega bada banne mein. You know, when Litfest started, Prasoon told me he and Gulzar Saab were sitting in the garden, and there was no public, there wasn't anybody. There were a few students and whom they were speaking to, and see how it, big it's become, not just in India, but globally. I genuinely believe that Raymond MTV India Music Summit, 5 years from now, will be an event where everybody will scramble to be there. And that's when you will have a problem in saying, you can't come and you can't come. I hope that day comes true, and wish you all the very best. से लोगों ने है तो पहले रेमंड्स को धन्यवाद देता हूँ. तत्पश्चात हमारे राजनायक अभी बता रहे थे, मैं इनको बता रहा था कि देखते ही देखते अब हमको कुछ एहसास होता है कि जो कुछ कर सकते थे वो कर ना पाए, इसके लिए हम ऐसी स्थिति पर आ पाए हैं. वरना भारत सिर्फ एक खंड का नाम नहीं है, भारत एक ऐसा अखंड समझ लीजिए जीवन शैली है जिससे पूरा विश्व आज भी पागल होकर देख रहा है, लखा कर ऐसे यार ये क्या है. जैसे सब धरती वाले सूरज और चांद देख रहे हैं, विश्व वाले भारत की ओर देखते हैं. पता है आपको, इतना सब सहने के बाद भी, तो ये ताकत क्या है? ये ताकत हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीने का ढंग, हम बड़ों का आदर कैसे करते हैं. और छोड़िए जिक्र, यार इन्होंने एक शब्द बोला है जिक्र. जिक्र जो होता है वो एक दूसरे से संबंधों के बारे में होता है, एक दूसरे की कल्चर के बारे में होता है. इन्होंने अभी एक बात कही यहाँ पड़ोस में बैठ के, लेगेसी. लेगेसी जो अंग्रेजी में होती है वो यही होती है, परंपराओं की मूल्य, थोड़े नैतिक हम छोड़ के जाएं, पता लगे ये कौन है. अच्छा फलां के बेटे हैं, अच्छा ये फलां के पोते हैं. ये पहले ऐसे परिचय होता था. मैंने जो संगीत सीखा है, मैंने सीखा नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी कोई हुई नहीं है. मैं आप जैसे प्यारे परिवारों से आया हूँ, शुरू में धिक्कारा जाता था, नकारा जाता था, रिजेक्ट हुआ, डिजेक्ट हुआ, और बहुत सारे डिनाइल सहे. लेकिन इस दुनिया में जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, कभी कभी वो ट्रेनिंग अगर देनी शुरू कर दें तो बड़ी अलग बात हो जाती है. इसलिए मैंने ये प्रण लिया है, जहाँ भी ऐसे वाले अच्छे काम हो रहे हों, सच्चे काम हो रहे हों, मैं वहाँ रात को तो छोड़िए, सुबह को तो छोड़िए, किसी भी पहर में अगर गवाएंगे हम तो हम गाएंगे. दूसरी बात, हमसे अपर्णा भाभी ने एक दिन कॉल किया, मैं अपर्णा जोशी बोल रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया. हम झारखंड में थे, हेलीकॉप्टर में थे, आवाज़ भी रुक रुक के आ रही थी, तो आधी बात समझ आ रही थी, कौन अपर्णा? हाँ हाँ बताइए, आप मैसेज कर दीजिए ना. तो ऐसे मैं पगला रहा था, जैसे थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आया, प्रसून जोशी, उनका भाभी क्यों मार रहे हो हमको, नेटवर्क जब ना हो तब मार रहे हो, सीधे बोलो ना, अपर्णा भाभी बोल रहे हैं. तो अब रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं, झूठ मूठ की बातें हो रही हैं, या नाइस टू मीट यू, या नाइस टू मीट यू, जबकि वो ऐसा कुछ है नहीं. अपने आप को धोखा दे रहा है मनुष्य एवरी डे. ए हाय, लॉन्ग टाइम मैन, यार गुड टू सी यू, गुड टू सी यू. मैं भी करता हूँ, आई जस्ट पिक्ड अप ऑल दीज ट्रेड्स हियर इन मुंबई. मैंने कैसे सीखा है मैं बताता हूँ साहेब. ये जो जिक्र यार इन्होंने कहा, मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन वो लोग यदा कदा दो चार महीने में, कुछ उनके शिष्य, कुछ उनके साथी कहीं कहीं से आते थे. कोई साइकिल पे आता था तो धनवान था, कोई जैसे तैसे आके सब इकट्ठे होकर राज गाते थे. उनका गाना जो था बड़ा मिस्टिकल होता था. उस गाने के बाद एक गाना गाया, कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, अलख पुरुष थारी चेली जी, द्वापर मैं बनी द्रौपदी,
हो संग अर्जुन के मैं ब्याही जी, कौरव पांडव दोनों लड़ाए, रही दोनों से मैं न्यारी जी। ये गाते थे, गाने के बाद हम 4-5 वर्ष के थे तब, तो मैं भी उनके बीच में बैठा, एक बालक सिर्फ, सब बड़े बड़े लोग, एक बालक उनके बीच में होता था। हमको कुछ एक दो बुजुर्गों का ध्यान जाता था, वो बोलते थे बेटे बच्चों में खेल, तू यहाँ का क्या कर रहा, लेकिन मैं चुपचाप ऐसे जैसे कंबल ओढ़ के घी पी रहा हूँ, मैं ऐसा मजा लेता था उस वक्त। तो ये गाने के बाद वो लोग आपस में जिक्र करते थे, एक्सप्लेनेशन करते थे, जी ये बताइए त्रेता में मैं बनी समथिंग समथिंग, ऐसा उनका जो पूरी कड़ी होती थी, द्वापर में मैं ये बनी, और कलयुग में मैं बनी काल का, और सतयुग में मैं बनी ब्रह्माणी, संग ब्रह्मा के ब्याही, ये क्या हैं, दीज आर ऑल सिम्बॉलिक, जिसको हम मिस्टिकल बोलते हैं। जैसे एक और था ऐसा ही कि पांच बरस की मीरा, पांच बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। गाने के बाद वो आपस में व्याख्यान करते थे, उस व्याख्यान की वजह से संजय जी मैं म्यूजिक में आया। मुझे लगा यार इतनी गहरी बातें छुपी हैं म्यूजिक में, इतनी अच्छी बातें होती हैं लिरिक्स में, ऐसा असर आता है संगीत का, अच्छा इतने लोग खुश हो रहे हैं, जबकि ये तो दिन में लड़ रहे थे, चाचा जी तो दिन में लड़ रहे थे, वही लोग शाम को गा रहे हैं एक तारा उठा उठा कर एक टांग पर ऐसे। तो मैंने देखा संगीत में ऐसी शक्ति है कि जो लड़ रहा था दिन में, पगला रहा था, आज अब वो अचानक दैवी शक्ति उसके अंदर आई है, खुश है और खुश रख रहा है सामने वालों को। मैं यही काम करूंगा, बस मुझे खुश रहना है और खुश रखना इस पृथ्वी को। मुश्किलें बड़ी आती हैं खुश रहने में भी और खुश रखने में भी। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं जो सबसे आसान चीज होती है उनमें, इस पृथ्वी पर। ये बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं लाइफ के, आसानियां सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं इस दुनिया में, और खुश रहना ओए होए होए कितना बड़ा चैलेंज का काम है। खुश रहना पहले तो, नकली नहीं, ऐसे नहीं बन के जो वो वाला हमने बताया था नाइस टू मीट यू वाला, वो नहीं। अगर आप सच में खुश हैं तो आपकी आंखों में दिखता है, आपके रोम रोम में दिखता है, आपके रंध्रों में दिखता है, आपकी ज्वालामयी हंसी में दिखता है। और जब आप खुश होते हैं, आप जहां से गुजर जाएं, बावलों से भी गुजर जाएं, तो बावले भी खुश होंगे आपको देख के, पत्थर नहीं मारेंगे। मैंने मुंबई को ऐसा शहर माना है, यहाँ बावले भी समझदार हैं, सिग्नलों पे मैंने देखा है भैया बड़ी मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट फेल रहा हूँ बीच में, यहाँ बावले भी समझदार हैं। ये ऐसा शहर है मुंबई, कैसे समझदार हैं, जगह की कमी है तो बावले अगर कहीं जंगल वंगल की तरफ हो तो खुले में पूरा राक्षसी रूप अपना ले आएंगे, लेकिन यहाँ एडजस्ट करके चलते हैं बावले भी। उनको पता है कि बेटा इतनी सी जगह है वो, बाकी में नहीं तो पुलिस आके मार दिए डंडा तो वो अपनी उतनी ही जगह में बावलापन मचाएगा। देखिए तो कितनी समझदारी है इस नगरी में, और इस नगरी के इतने प्यारे समझदार लोग किसी समझदार कार्य में जुटे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे लोगों, ऐ मेरे मीडिया के प्यारे कर्तव्य निभाने वालों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखिए, ऑनलाइन लिखिए, और जितने ब्लॉगर्स हैं अगर गलती से हैं तो वो भी इसके बारे में लिखिए। जयपुर बड़ी ऐतिहासिक, बड़ी राजाओं की नगरी है, वहाँ की महारानी जी भी हमको अपना पुत्र मानती हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं। वहाँ की कला के लिए आइए, और वहाँ पर हम सब वहाँ गाएंगे, 5 बजे गाएंगे सुबह, और 5-6 बजे सुबह के वक़्त, और जो ये बार स्टूल्स हैं इन पे बैठ के गाएंगे, पहली बार ज़िंदगी में। एक बार हमने यहाँ गाया था अपने कुमार मंगलम बिड़ला जी के घर, तो वहाँ बैठक नाम था उसका, तो ये बार स्टूल लगे थे वहाँ, हमारी एजेंसी ने बार स्टूल्स लगवाए थे। तो मुझे बचपन से बैठा नहीं जाता क्योंकि मैं साइज में ही बैठा हुआ सा हूँ, तो भैया थोड़ी देर बैठे हम और बाद में खड़े होके एक टांग पे हमने ऐसे नाचने लगे।
तो इतने खुश हुए, 20-22 लोग थे कुल घर में। अब मेरे दिमाग में वही चल रहा कि वही दृश्य वहाँ हम बनाएंगे। सुबह का वक्त होगा, जब मैंने अपने साथियों से पूछा, कैलासा मेंबर्स से, कि बॉयज़ वी हैव टू परफॉर्म अर्ली मॉर्निंग, यू नो 6 o'clock, या इट्स ओके, वी विल नॉट स्लीप द नाइट बिफोर। तो सी, जुनून वहाँ पर भी है, पैशन वहाँ पर भी है, थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल में है। तो हम लोग वहाँ पूरा अपनी ऊर्जा बिखेरेंगे, और अपर्णा भाभी को, माला को, अंबिका को, राज साहब को, प्रसून भैया को बहुत बहुत बधाई है। इतना नेक काम इन्होंने कर तो दिया, वरना आज के दौर में फुर्सत नहीं, अच्छी बातों के लिए तो वैसे भी नहीं है। तो मैं सबको आपको नमन करता हूँ, जितने भी प्यारे लोग अच्छे लग रहे हैं, सबको मैं निवेदन करता हूँ कि जयपुर आइए। ऐसे ही थोड़े दिखेंगे मुझे उबासियाँ लेते हुए सुबह के वक़्त वहाँ भी, लेकिन सब आइए। अगर मान लीजिए टिकट विकेट के पैसे ना हो तो मुझसे संपर्क करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, प्लीज गिव मी ह्यूज राउंड। हरिए नीरस परिए खजूरे, किने दिताया नी दूरे, बाबल ता मेरा कोई देसा दा राजा, जीने दिताया नी दूरे, चाचा ता मेरा कोई देसा दा राजा, जीने दिताया नी दूरे। कैलाश जी आप सुबह सुबह गाएंगे, रंग ना आजा वरना भुगत न फल करनी का, तड़प तड़प के बिलप बिलप के खो दूंगी जब प्राण, सुरगा में होगी मुलाकात तेरी याद में। देखो याद भी हमने कैसे लंबा लिया सर, क्योंकि याद बहुत ज्यादा आ रही है। जागूं मैं सारी सारी जागूं मैं सारी सारी रात तेरी याद में, किसको सुनाऊं फरियाद तेरी याद में, जानू ना तेरे सिवा, जानू ना तेरे सिवा कोई बात, तेरी याद में। ऐसे हम याद और में का ऐसा संगत हमने माना, तो ये हम गाएंगे 5 बजे, 5-6 बजे, 6-7 होंगे ना जी, 5-4 बजे। हे मेरे दाता, ये तो सोने ही नहीं देंगे जी। लेकिन ये समझ लीजिए कि शिव की अलख जगेगी सारी रात जयपुर में, तो आप जितने भी संख्या में वहाँ आए बहुत प्यारा लगेगा। अभी मैं एक और आपको ये बता दूं जी, सेल्फी का ज़माना आ गया है ज़िंदगी में ना, तो मैं सोचता हूँ जब जगजीत जी थे और पुराने हमारे प्यारे लोग थे, उनको तो पता भी नहीं था तब तक, सेल्फी आई नहीं थी। अब ये सेल्फी आई हैं, तो एक आंटी जी मिली हमको एयरपोर्ट पर, और बच्चा उनके साथ था, तो बोलती हैं बच्चे को मार रही हैं, जल्दी मारूँ, ये सर अब बहुत आपका फ्रेंड है, फ्रेंड इनका क्या है, फ्रेंड है, फ्रेंड आपका, अच्छा इनको फोटो चढ़े सावतरे जो म्यूजिक का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, रेमंड्स प्रेजेंट
सर, जैसे कि दर्शक हमेशा आपको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, अब जैसे कि तो इस बार क्या और अलग होने वाला है आपके दर्शकों? इस बार वही होगा, सुकून, ज्यादा सुकून के गाने ज्यादा गाएंगे वहाँ, तो सुबह के वक्त तो एक तरह से जैसे पुराने समय में होता था कि बैठक होती थी, कुछ अच्छा म्यूजिक होता था, म्यूजिक का जिक्र होता था, म्यूजिक के बारे में बातें होती थी, तो थोड़ा इंटीमेट, थोड़ा पर्सनल टच मिलेगा। नमस्कार। See, my role here has been of a mentor, and right from day one when I heard something like this, the people laughing, and these three passionate people are planning to do this, what struck me, I've been thinking about music, friends like Kailash, you know that we often talk about where is our music going. Probably the only country where music is getting limited to, संगीत को सुना नहीं जा रहा है, देखा जा रहा है। सो देखा जाना और सुने जाने में फर्क है। कितनी बार, अगर इफ द म्यूजिक इज नॉट फोर्सिंग यू टू क्लोज योर आईज एंड गेट इमर्स्ड इन इट एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, देयर इज समथिंग आउट देयर वी नीड टू वॉच आउट फॉर, एंड दैट कंसर्न्स अ म्यूजिक लवर। कि कैलाश नहीं दिख रहे हैं, म्यूजिक के म्यूजिशियंस नहीं दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ, मैं खुद के साथ एक रस हो गया हूँ, एक मय हो गया हूँ। दैट क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज़ टू बी मेडिटेटिव एंड ऑल दैट, आई थिंक एनीबॉडी, एनी ऑफ अस हू गॉन टू कॉन्सर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वुड टेल यू दैट आफ्टर सम टाइम इट जस्ट यू आर विद योरसेल्फ, इट म्यूजिक अलाउज यू टू बी वन विद योरसेल्फ। It could be a social occasion to meet people, but it is not. After some time, conversations end, and you start talking to yourself, and you become your best company. I think that quality somewhere getting lost. The distance between the artist and the listener is increasing. Kailash ji, आपके stage की जो size है बढ़ती जा रही है, और लोग छोटे होते जा रहे हैं. Where is that eye contact which she was talking about? मैं आपकी आंखों में झांक सकता था, पंडित जसराज के बहुत पहले ही वंस ही टोल्ड मी दैट, यू नो, हम लोग म्यूजिशियंस जो है तलाशते हैं, एंड एक्चुअली वी परफॉर्म फॉर वन पर्सन, वी डिसाइड ये है भैया इसके लिए चल रहा है पूरा, वी ऑलवेज लुक फॉर दैट वन पर्सन, एंड देर इज अ डायलॉग, एक गुफ्तगू जिसे कहते हैं, वो छिड़ जाती है उसके बीच, एंड दैट इज वॉट महफिल्स फॉर ऑल अबाउट, कि फिर कुछ नहीं रह जाता। एंड लॉट ऑफ आर्टिस्ट टेल यू दैट जब कोई नहीं मिलता है तो आंख बंद करके गा देते, भाई हम तो पैसा लेके आए हैं तो गाना पड़ता है। वी वॉन्टेड टू ऑल्सो ऑलवेज कंसर्न मी दैट कैन वी गो बैक टू दैट कल्चर, बिकॉज देर इज अ ह्यूमन बींग सिंगिंग दैट, एंड विद डिजिटल वर्ल्ड, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू द डिजिटल वर्ल्ड, ऑफकोर्स वी आर रीचिंग आउट टू मोर पीपल, I mean, my profession in advertising and everything depends on that, and the connectivity and everything is very important. But at the same time, I think human contact is what we are missing. So this is also an opportunity to have human contact with someone who is performing. Ek shareer ek veena hai, ek instrument hai, ek saaz jo chhid raha hai, us saaz se bhi to baat cheet kar sakega. Uske saath bhi to aapka tadatmya ek bane. So that is also which I saw here. And third thing, जिसे जिक्र यार कहते हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका जिक्र भी करते हैं। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर टू टॉक अबाउट म्यूजिक, सी आफ्टर यू हर्ड द म्यूजिक उसके बाद उसका जिक्र, और हर जगह आपको सूफी से जो वाबस्ता है लोग वो जानते हैं कि जिक्र की बहुत अहमियत है। व्हेन यू डोंट टॉक अबाउट इट, उसकी चर्चा जिसे कहते हैं जब होती है, तो कहीं ना कहीं यू गेट इमर्स्ड इन इट। सो इन अ सेंस आई फेल्ट दिस इज अ वेरी इमर्सिव थॉट, इमर्सिव एक्सपीरियंस, एंड एज माला जस्ट टॉक्ड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द होराइजन, इट इज नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक और दिस म्यूजिक और दैट, आई थिंक म्यूजिक इज वास्ट, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक अस वेयर देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन म्यूजिक, ऑल्सो देयर मर्मर्स, सी ढोल का जो सुर होता है उसके साथ बांसुरी कोई नहीं सुन पाता है, इट्स नॉट दैट सुनना नहीं चाहता है, सुन पाएगा ही,
तो आपको बांसुरी वाले को थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। विलास सिलम तो आस्क हिम कि भैया आप इस चट्टान पे चढ़ के यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठते हैं हम लोग, वहाँ तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सो आई थिंक दैट थिंग इज ऑल्सो देयर ऑल टुगेदर। आई थिंक द एफर्ट्स एवरीबडी हैज मेड, माला, अपर्णा एंड यू नो अंबिका लिव टुगेदर। आई थिंक राज हैड कम इज अ फ्रेंड एंड And also a great music lover. It's right from day one. He's been part of this, and that's all of them are very thankful to you. I've always heard praises about you. Networking here has come out and supported. And Sanjay, you have. They've been having meetings with you. I used to only hear about it. And I think the way I got enticed into it, I think the way you got enticed into it. And above all, Mr. Gautam Singhania, who is here. Like a rock solid support and a force behind this entire festival, I would like you to say a few words and would like to welcome you on behalf of Music Summit. Please. Over 90 years now, going into its 94th year. And I think it's really, truly one of the only global Indian brands. When people ask us that, do we want to become like another brand abroad, and say, are you emulating them? We turn around and say, we are Raymond. We have a distinct position in this country. Most people go out and sponsor cricket, and all the money in this country goes towards cricket. And I don't think anybody or any company is really looking at other aspects of sponsorship. Raymond is very deeply entrenched into India, into the people of India, and we've taken a decision to support arts and cultures and what India stands for. So stepping away from cricket, while we do that, and every company has to do that in this country to survive, we've got into other stuff as well. And we are proudly happy to say that we're the main sponsors for the Asian Games, the Commonwealth Games. We've got into movies, which we did just launch the movie Suri Daga, which we sponsored, which has been a big hit. And we've got into khadi in a big way. Khadi is a fabric of this nation. And I think no other brand besides Raymond could have taken that position. So we're very proud to be associated with the Indian Music Festival. Personally, while I don't show it, music means a lot to me. I connect a lot with music and with devices today. I've got millions of songs on my phone. And I actually listen to music almost every day, from the gym to the evening. If I'm on a flight, I put my headphones on. You know, like Prasoon said, you really connect with the music. It takes you into another world. If you close your eyes and actually listen to the music, and I listen to everything, it's an amazing feeling. It's relaxing, it's, you know, mesmerizing. So I'd like to wish this event all the best, and Raymond is extremely happy to get associated with it. Unfortunately, I'm traveling. I don't know if I'm going to make it back, but Sanjay, the whole team, organizations behind you, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Please. Too much time, but when Mala, Ambika and Aparna came to see me for the first time, I was really touched with their passion because MTV has been iconic with music, but somewhere along the line, I think because of commercial interests, you know, you have to do what is happening. But whenever I speak to people, the only two shows they speak to me about is Unplugged and Coke Studio or Original Music. It's difficult sometimes for us when we're doing so many things to focus on curating something like this. So when Music Concepts came and spoke to me and said, we want to do this, I mean, there was no thinking. We said, just let's do it. We didn't even think how we are going to do it, what we're going to do. And I must thank you, Mr. Singhania, Sanjay, because I've seen the struggle that they have gone through last year, but it's your sheer passion. But I wasn't able to make it last year for personal reasons to Jaipur, but everybody who went there, my entire team came back and told me it was magical moments. They said, Raj, you should have been there. And this year I promised that I will be coming at least for a day, if not for all 3 days. We are recording this. Yeah, you can record it and I will be there. But thank you. First of all, I must tell you, for the first time I saw this Raymond's ad, and it was fabulous. I mean, you know, the way you have repositioned khadi, I mean, it's made it so stylish. Now I'm suddenly thinking I should only wear khadi. You know, and I think
in a way, what Music Concepts is also trying to do is take music and repackage it in a way, in a manner that the world has not seen. And we will be behind you in whatever you do. All our support will be there. And I would urge each one of you to come to Jaipur and experience the difference, because I genuinely believe, and I was speaking to Prasoon a few minutes ago, and I told him, isko thoda time lagega bada banne mein. You know, when Litfest started, Prasoon told me he and Gulzar Saab were sitting in the garden, and there was no public, there wasn't anybody. There were a few students and whom they were speaking to, and see how big it's become, not just in India, but globally. I genuinely believe that Raymond MTV India Music Summit, 5 years from now, will be an event where everybody will scramble to be there. And that's when you will have a problem in saying, you can't come and you can't come. I hope that day comes true, and wish you all the very best. Nikita kona you guys young artist yes sir look here please start from here sir center center here sir look at the center please solo solo Right. He is going to present a celebration of wedding music. जैसे थोड़ा सा ही झलक। जब मैरिज होती है, कुड़ियों के जो वो लड़कियों के गाने होते हैं, लड़की की तरफ से, वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। हरिये नीरस परिये खजूरे किने दिताया नहीं दूरे हरिये नीरस परिये खजूरे किने दिताया नहीं दूरे बाबलता मेरा कोई देसा दा राजा जीने दिताया नहीं दूरे चाचा ता मेरा कोई देसा दा राजा जीने दिताया नहीं दूरे कैलाशी आप सुबह सुबह जी हम लोग कुछ हमारे अनप्लग गाने हैं सुबह सुबह के वक्त हम वो गाएंगे और ज़्यादातर हमको यहाँ एक तरह से भारत का माइकल जैकसन टाइप का बोल रहे हैं आजकल क्योंकि हम उछल उछल के पगला पगला के गा रहे हैं तो वहाँ पे ड्रम्स और ये सब जो बड़ा सेटअप है वो हमने नमस्ते कर दिया जयपुर के लिए और कहुन रखा है वहाँ कहुन रखा है तबला रखा है और भला भला संगत रखी है और उस भली संगत में बैठक टाइप का ही गाना गाएंगे थोड़ा हल्का भूल गई सजना मैं समरना रंग पड़ा मेरा फीका भाए कोई रंगना आजा वरना भुगत न फल करनी का तड़प तड़प के बिलप बिलप के खो दूंगी जब प्राण सुरगा में होगी मुलाकात तेरी याद में देखो याद भी हमने कैसे लंबा लिया सर क्योंकि याद बहुत ज्यादा आ रही है जाऊं मैं सारी सारी याद जागू में सारी सारी रात तेरी याद में किसको सुनाऊं फरियाद तेरी याद में जानू ना तेरे सिवा जानू ना तेरे सिवा
कोई बात तेरी याद में। ऐसे हम याद और में का ऐसा संगत हमने माना, तो ये हम गाएंगे 5 बजे, 5-6 बजे, 6-7 होंगे ना जी, 4-3-4 बजे। ये मेरे दाता, ये तो सोने ही नहीं देंगे जी। लेकिन ये समझ लीजिए कि शिव की अलख जगेगी सारी रात जयपुर में, तो आप जितने भी संख्या में वहां आए बहुत प्यारा लगेगा। अभी मैं एक और आपको ये बता दूं जी, सेल्फी का जमाना आ गया है जिंदगी में ना, तो मैं सोचता हूँ जब जगजीत जी थे और पुराने हमारे प्यारे लोग थे, उनको तो पता भी नहीं था तब तक सेल्फी आई नहीं थी। अब ये सेल्फी आई है, तो एक आंटी जी मिली हमको एयरपोर्ट पर और बच्चा उनके साथ था, तो बोलती हैं बच्चे को मार रही हैं, जल्दी से ये सर अबोत आपका फ्रेंड है, फ्रेंड इनका क्या है, फ्रेंड है, फ्रेंड आपका, अच्छा इनको फोटो चाहिए, तो जी सेल्फी चाहिए, बल्कि इनको ये बच्चे को चाहिए, और बच्चे को बार बार ठूसा मार रही थी, तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए कि इनको चाहिए या आपको चाहिए, समझ नहीं आ रही बात। वो किंग करते में भी मूड में था मैं तब तक, तो अचानक बच्चे के मुख से निकले, मम्मा कौन है ये अंकल। We all know who he is, Shilpa. What's gonna happen? I'll tell you one thing. We never intended to do this. We don't know what it is to sing for a film. It's, I don't know even now what it is to sing a film song. All my childhood, I've only listened to ghazals, and that's what I sing. And my father always keeps telling me, बेटा ये तुम गा रहे हो फिल्म में वो तो बहुत अच्छी बात है, बट असल गाना तुम कब गाओगे, बिकॉज आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू ऑन स्टेज, लाइक यू नो व्हेन यू वर इन स्कूल यू शुड सिंग गज़ल्स फॉर टू आवर्स, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इन जयपुर। एंड यस, अ ह्यूज ह्यूज ट्रिब्यूट टू मेरी हसन साहब, बिकॉज ही इज़ बीन माई इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू माई चाइल्डहुड, सो यस अ लॉट ऑफ मेरी हसन साहब। सुना है और वहां पर आप, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह गया कर तो देखो, रोने पे फिरना तुम यूं हंसोगे, रोने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। Thank you. नवा पूछ दी ओ सुन दिया मेरी ये, अम्मा पूछ दी ओ सुन दिया मेरी ये, ओ दुबड़ी तड़ी तू किया कर रही हो, पारर मरिया ओ पारर मरिया, मोर जो बोले हो पारले बनिया, मोर जो बोले हो माँ उन्हें मेरी निंदर गवाई, अम्मा मेरी ये ओ अम्मा पूछ दी, अम्मा पूछ दी ओ सुन दिए मेरी, अम्मा पूछ दी ओ सुन दिए मेरी, ओ दुबड़ी तेरी को किया करी हो। I'm missing my friend Mohit Chauhan here because he's the one who introduced me to the song, and thank you, he's from Himachal, and Kailash ji, thanks a lot again for being here.
You are a source of inspiration for millions, and it's an honor to have you, Jassi ji, Alaji, and you. Thank you. One of the things that